हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो ये कॉटन की पैंट आती हैं, कभी कभी क्या होता है जो ये न्यू पैंट होती हैं, दो तीन धुलाई के बाद ही सिकुड़ जाती हैं, तो इनकी लंबाई कैसे बढ़ाएं, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो ये देखिए, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए पैंट की हम नीचे से जो ये मोहरी होती है वहाँ से इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो हम जहाँ ये सिलाई हुई रहती है मोहरी पर, वहाँ से इस तरह से इसको खोल लेंगे सिलाई को, ऐसे देखिए, और जो अंदर कपड़ा है उसको बाहर निकाल लेंगे खोल करके। तो ये देखिए, मैंने खोल करके सारे कपड़े को अंदर से ये इस तरह से बाहर निकाल लिया है, ऐसे देखिए। तो यहीं से हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो जो पहले सिलाई हो रही थी तो वो यहाँ तक हो रही थी, जहाँ तक ये मैंने निशान लगाया है, और जो अंदर से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, तो देखिए ये इस तरह से 2.5 इंच का ये एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से निकला है जब हमने इसकी सिलाई खोली। तो इसी से हम लेंथ बढ़ाएंगे, तो 1/2 इंच तो ये अंदर आ जाएगा सिलाई में, और 2 इंच इसकी लेंथ बढ़ जाएगी पैंट की। और इसके अंदर मैं देखिए ये कपड़ा लगाऊंगी, आप कि जिस कलर की पैंट हो आप उसी कलर का कपड़ा लीजिए मैचिंग का। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है, जो इसकी कपड़े की लंबाई है वो तो 21 इंच है, तो चौड़ाई है, अब देखिए चौड़ाई जो है वो है 2 इंच। तो जो लंबाई लेनी है देखिए वो किस तरह से लेनी है कपड़े की, ये देखिए जो ये मोहरी है इसके हल्की सी इस तरह से हम सिलाई खोल लेंगे, ऐसे देखिए एक साइड से, और इस तरह से कपड़े को जो ये पैंट की मोहरी है इसको इस तरह से नापना है इंच टेप से। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो 10 इंच का डबल हुआ 20 इंच, ऐसे देखिए 10 इंच और तो 10 इंच का डबल 20 इंच, ऐसे देखिए 20 इंच हुआ। तो जो कपड़ा लेना है थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेना है 1 या 1/2 इंच, तो मैं 21 इंच की मैंने ये पट्टी ली है, ये जो कपड़े की पट्टी है तो इसकी जो लंबाई है वो है 21 इंच, दो पट्टियाँ लेनी है सेम लेंथ की इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर दूंगी। तो यही पट्टियाँ हमें लेनी है ऐसे, इस तरह से। तो जो इसकी लंबाई है वो है 21 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। कभी कभी क्या होता है, ये न्यू पैंट जो आती हैं रेडीमेड, उन सूती पैंट जो होती है, तो इनकी लंबाई 2-3 धुलाई के बाद ही कम हो जाती है, तो इस तरह से हम इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले इस पर प्रेस कर लेंगे जैसे ये प्लेन हो जाए, क्योंकि सिलाई खोलने के बाद ये कपड़ा सुकड़ा सुकड़ा सा हो रहा था, तो हम अच्छे से इस तरह से इस पर प्रेस कर लेंगे दोनों साइड, ऐसे देखिए जैसे ये प्लेन हो जाए कपड़ा, इस तरह से देखिए मैंने प्रेस कर ली है ऐसे। अब दूसरी साइड भी कर लेंगे करके करनी है प्रेस को, और जो फिर एक्स्ट्रा ये धागे निकले हुए हैं उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, प्रेस करने के बाद एकदम ये प्लेन हो गई है मोहरी दोनों, ऐसे देखिए। अब देखिए जहाँ से ये हमने सिलाई खोली हुई थी, यहीं से हम देखिए ये पैंट को राइट साइड सीधी साइड रखना है, और ऊपर से पट्टी रखकर सिलाई करनी है, ऐसे यहाँ से सिलाई करनी है ऐसे, इस तरह से। तो ये जो पैंट है ये मेरे हस्बैंड की पैंट थी, ये प्योर कॉटन कोटराइज की पैंट है, और ये काफ़ी महंगी भी काफ़ी थी, तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं इसकी थोड़ी सी अगर लेंथ बढ़ेगी तो बढ़ा दूंगी, क्योंकि काफ़ी महंगी पैंट ये आती हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को मोहरी पर लगा लेंगे ऐसे। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने पट्टी ये लगा ली है ऐसे देखिए, इस पर भी हम अच्छे से प्रेस करेंगे,
और पट्टी लगा करके सीधी साइड से मैंने पैंट को भी उल्टी साइड कर लिया है, देख सकते हो आप। और जो सिलाई करनी है यहाँ पर, हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद इस पर प्रेस करेंगे। तो पहले हम ऐसे सिलाई कर लेंगे, तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है तो इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, देखिए ये यहाँ पर सिलाई करनी है तो कर ली है मोहरी पर, एक कपड़े पर सिलाई इस तरह से। अब हम इस पर अच्छे से प्रेस करेंगे जिससे ये सेट हो जाए कपड़ा इस तरह से। देखिए अच्छे से प्रेस करनी है दोनों साइड, और दोनों पोछों पर ऐसे ही प्रेस करनी है अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इस तरह से प्रेस कर ली है। अब करना क्या है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे कपड़े को, और कपड़ा इतना मोड़ना है कि नीचे से दिखाई ना दे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसमें लगाया है। ये इस तरह से ये मोड़ना है, तो अच्छे से ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए ऐसे अच्छे से मोड़ करके अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे जैसे ये सिलाई दब जाए ऐसे। देखिए अच्छे से प्रेस को जमा करके करना है दोनों साइड ऐसे। इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हम इसको फिर मोड़ेंगे ऐसे ऐसे, देखिए आधा इंच फिर अंदर को मोड़ेंगे कपड़े को इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से मोड़ लेंगे ऐसे। देखिए और यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से किनारे पर सिलाई कर देंगे ये यहाँ पर ऐसे जोड़ से जोड़ मिलाएंगे, कपड़े का जोड़ भी और पैंट का जोड़ भी, सिलाई वाला जोड़ जो था। तो इस तरह से अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये तो रेडीमेड पैंट थी। अगर आप कपड़ा लेकर दर्जी से सिलवाएं तो पहले कपड़े को 2-3 घंटे, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको 2-3 घंटे भिगो कर रखें, फिर सुखा कर प्रेस कर तब दर्जी को दें, तो ये बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, पैंट आपकी ऐसी ही रहेगी। तो इससे अच्छा है कि आप कपड़ा लेकर कॉटन की पैंट सिलवाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सिकुड़ता नहीं है। और जो रेडीमेड पैंट आती हैं वे सिकुड़ जाती हैं या टाइट भी हो जाती है कभी कभी। तो इस तरह से हम ये मोहरी पर सिलाई कर लेंगे कपड़े पर। देखिए इस तरह से ये मैंने सिलाई कर ली है, दोनों मोहरी तैयार कर ली हैं। अब इस पर अच्छे से हम प्रेस कर देंगे इस तरह से। आप पैंट की लंबाई बढ़ा सकते हो। अगर हमारी यह ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये काफ़ी लंबाई इसकी बढ़ गई है, पहले ये यहाँ तक थी पैंट दोनों इस तरह से, अब देखिए ये यहाँ तक इसकी लेंथ बढ़ गई है 2 इंच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय।